हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई की ELT गेट शिक्षक भर्ती की अपडेट है, तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपी की जमानत अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ELT गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली प्रकरण के मुख्य आरोपी कौशिक कुमार की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण रामचंद्र की अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि नियत की है। साथ ही पुलिस की ओर से लोक सेवा आयोग के कार्यालय की तलाशी लेने के लिए मांगे गए सर्च वारंट के आवेदन पर भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। डॉक्टर अनिरुद्ध के भाई को पुलिस ने थमाया नोटिस। UPSC के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह यादव का घर आगरा में नहीं मिलने पर पुलिस टीम बुधवार को अलीगढ़ स्थित उनके मूल निवास स्थान पहुंची। पुलिस ने अलीगढ़ के अकराबाद थाना अंतर्गत जुझारपुर में डॉक्टर अनिरुद्ध के भाई BP सिंह यादव को नोटिस थमाया। नोटिस मिलने के 3 दिन के भीतर डॉक्टर अनिरुद्ध को SIT के सामने प्रस्तुत होकर बयान दर्ज कराना होगा। तो ELT ग्रेड को लेकर यही एक अपडेट थी। और UPSC से रिलेटेड और भी अपडेट हैं, उसको देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, UPSC परीक्षाओं में नहीं होंगे विवादित प्रश्न। प्रतियोगियों संग मुलाकात में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने दिया आश्वासन। हिंदी अंग्रेजी माध्यम की जो है कापी का हो अलग अलग मूल्यांकन। तो आयोग अध्यक्ष से मिलने वालों में भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने PECA 2016 के परिणाम का अंक पत्र दिखाते हुए आग्रह किया कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों की कापियों के मूल्यांकन में भेदभाव हुआ है। कौशल के साथ प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रतियोगी ने UPSC की तर्ज पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का अलग अलग परीक्षक से मूल्यांकन की मांग की। आयोग अध्यक्ष ने आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के भेदभाव दूर करने का आश्वासन दिया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने लगातार दूसरे सप्ताह अभ्यर्थियों से मुलाकात की और परीक्षा से जुड़ी उनकी समस्याओं को सुना। अध्यक्ष ने प्रतियोगी छात्रों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का तय समय सीमा के भीतर हल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कापियों के मूल्यांकन में होने वाले भेदभाव को दूर करने का भी आश्वासन दिया। कहा कि आगामी परीक्षाओं में विवादित प्रश्नों को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। स्केलिंग की समीक्षा की मांग पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि इस दिशा में काम शुरू हो गया है। बुधवार को अध्यक्ष अपने तय समय के अनुसार प्रतियोगी छात्रों से मिले। मिलने वालों में गाजीपुर, बरेली, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ एवं कोलकाता से प्रतियोगी और अभिभावक शामिल रहे। अध्यक्ष से पहली मुलाकात में आए लोगों की तुलना में उन दूसरी बार मिलने आधे प्रतियोगी और अभिभावक ही पहुँचे। परीक्षार्थियों ने PECS मुख्य परीक्षा 2017 के परिणाम, PECS मुख्य परीक्षा 2018 के आयोजन की तिथि एवं PECS प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन के संबंध में जानकारी मांगी। आयोग के अध्यक्ष ने इन मांगों पर 1 महीने की तय समय सीमा में वेबसाइट पर सूचना देने का आश्वासन दिया है। अब सवाल का एक से अधिक जवाब नहीं। PECS प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर प्रश्नों का गलत उत्तर देना, साथ में एक सवाल के एक से अधिक उत्तर होने के मामले में उठाया। आयोग अध्यक्ष ने आगामी परीक्षाओं में गलत प्रश्नों से बचने और एक सवाल का एक ही जवाब होने की बात कही। परीक्षार्थियों ने मांग की कि स्केलिंग पद्धति की पुनः समीक्षा की जाए कराएं, जिससे किसी प्रतियोगी के साथ अन्याय ना हो। PECS साक्षात्कार पूरा, जल्द परिणाम। UPSC की ओर से 21 जून से चल रहे PECS परीक्षा का साक्षात्कार बुधवार को पूरा हो गया। साक्षात्कार पूरा होने के बाद अब आयोग की ओर से जुलाई के अंत तक अंतिम परिणाम घोषित करने की तैयारी है। आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 610 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर को हुई थी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 5 जनवरी को घोषित किया था। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद 30 और 31 जनवरी के साथ 1 फरवरी को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम 13 जून को जारी करने के साथ 19 जून को साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी। आयोग की ओर से PECS का साक्षात्कार 21 जून से शुरू होकर 17 जुलाई तक चला, यानी कल समाप्त हो चुका है और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। 1 महीने में वेबसाइट पर सूचना देंगे आयोग अध्यक्ष। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने बुधवार को मुलाकात के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने वाले 47 अभ्यर्थियों को बुलाया था। अभ्यर्थियों ने PECS 2017 मेंस के परिणाम, PECS 2018 मेंस के आयोजन तिथि एवं PECS 2019 के बारे में जानकारी चाही, जिस पर अध्यक्ष ने 1 महीने की समय सीमा निर्धारित करते हुए वेबसाइट पर सूचना देने का आश्वासन दिया है। PECS में वेटिंग लिस्ट ओवरलैपिंग जो है रोकी जाए। अध्यक्ष से मुलाकात में शालिनी ओझा ने PECS में वेटिंग लिस्ट देने
ओवरलैपिंग रोकने और प्रयागराज लखनऊ के अलावा गाजियाबाद में भी परीक्षा केंद्र बनाने का अनुरोध किया है। अध्यक्ष ने वेटिंग लिस्ट के लिए शासन से अनुरोध करने की सलाह दी, ओवरलैपिंग मसला देखने को कहा। कौशल सिंह ने हिंदी अंग्रेजी माध्यम के लिए अभ्यर्थियों से भेदभाव समेत कई मुद्दे उठाए। तो ये रही आज की पूरी अपडेट यूपीपीएससी से जुड़ी, एलटी गेट भर्ती और अन्य सभी भर्तियों